हेलो एंडा, वेलकम यू ऑल टू द गुरुकुलम। देखो, तुम लोगों का इंतजार खत्म हो चुका है। तुम लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने जो फॉर्म मिला था उसमें रजिस्टर किया था कि हाँ भाई, फाउंडेशन कोर्स लेके आइए, लाइव पढ़ना है, तो वो कोर्स आ चुका है। सबसे पहली चीज़ कि उस कोर्स की जानकारी, जो जो आपके डाउट्स हैं, जो मतलब पॉसिबल डाउट्स हैं जो मुझे लगते हैं कि आपके अंदर होंगे, वो मैं अभी क्लियर कर देती हूँ। कुछ और होता है तो गुरुकुलम का नंबर आपके पास है ही सही, आप उस पर कॉल कर देना। सबसे पहली चीज़ कि ये क्लासेस कहाँ चलेंगी, किधर चलेंगी, ठीक है? तो ये क्लासेस चलेंगी ऐप में और लाइव चलेंगी। लाइव का मतलब क्या हुआ कि मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ और आप वीडियो में उसी समय पे देख रहे हैं, और आप जो सवाल पूछेंगे उनके जवाब मैं इधर से दूंगी, है ना? यानी कि आपको कोई भी डाउट्स होते हैं तो आप तुरंत पूछ सकते हैं। कोई भी समझाते वक्त कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया, आप पूछ सकते हैं। तो एक ये बात हो गई। दूसरी बात, ठीक है, लाइव क्लास अगर कभी मिस हो गई तो क्या करूं, है ना? कभी मामा के लड़के की शादी है और लाइव क्लास मिस हो गई तो क्या करूं? तो जो लाइव क्लास है ना, वो जैसे ही खत्म होती है वैसे ही वहीं पे ऐप में ही स्टोर हो जाती है, सेव हो जाती है। तो उसको आप एक बार नहीं, मामा के लड़के की शादी में नहीं, किसी की भी शादी में जाओ, कहीं भी जाओ, और अगर क्लासेस मिस होती हैं तो क्लासेस सेव रहेंगी और उनको एक बार नहीं कई बार देख सकते हो। अब आप कहोगे कई बार मतलब कब तक देख सकता हूं, तो यानी कि 1 साल तक देख सकते हैं आप, 1 ईयर, ठीक है? तो 1 साल की वैलिडिटी के साथ ये कोर्स आपको मिल रहा है, ठीक? चलिए, ये भी बात अच्छी हुई। फिर अब इसमें कैसे क्या पढ़ाना है, तो फाउंडेशन का मतलब होता है बेस। बेस मतलब क्या? बेस मतलब निचला स्तर, यानी आपको एकदम जीरो से, मैं एकदम जीरो से मतलब ABCD की बात नहीं कर रही हूँ, बट कॉन्सेप्चुअल लेवल पे एकदम जीरो से हाई लेवल तक पढ़ाने की कोशिश इसमें की जाएगी। कौन पढ़ाएगा? मैं पढ़ाऊंगी। पहला डाउट जो था आपका वो क्लियर, ठीक है? अभी कुछ बच्चे कह रहे थे कि एक रिकॉर्डेड कोर्स है, वही तो नहीं है। तो नहीं बेटा, रिकॉर्डेड अलग होता है, वो उसकी प्राइस अलग चल रही है, वो अलग कोर्स चल रहा है, ठीक है? ये लाइव है ना? खुले शब्दों में पहली चीज कि ये लाइव रहेगा, ठीक है? इसके बाद आता है कि कितने बजे क्लास होगी, तो क्लास होगी हमारी 12 बजे। यानी आप यूट्यूब में 1 घंटे प्रैक्टिस करेंगे मेरे साथ, 10:30 से 11:30। इसके बाद आपको आधे घंटे का ब्रेक मिलेगा, जिसमें आप चाय नाश्ता कर लेना, मैं PPTs वगैरह सेट कर लूंगी इधर, और फिर हम लोग 12 से 1 तक, या 1 से ज्यादा भी हो सकती है कभी क्लास, अगर मुझे ज्यादा पढ़ाना है, ज्यादा कॉन्सेप्ट है, तो 12 से हमारी क्लास होगी, ठीक है? ये एक आपका डाउट हो जाता है, क्लियर, ठीक है? वीडियोस के बारे में सब बता दिया। अब बारी आती है नोट्स की, कि क्लास जब देखूंगा, ठीक है, तो इनकी नोट्स कैसे बनाऊंगा? तो नोट्स आप मत बनाना, क्यों? क्योंकि आपको ई नोट्स मिलेंगे, और ई नोट्स वही मिलेंगे जो मैं पढ़ाऊंगी। यानी मैंने अगर राम मोहन सोहन सीता गीता का एग्जाम्पल दिया क्लास में कोई कॉन्सेप्ट बताते वक्त, तो नोट्स में भी राम मोहन सोहन सीता गीता ही मिलेगा, है ना? कुछ भी डिफरेंस नहीं मिलेगा। तो आप समझो एज इट इज आपके नोट्स ही बनेंगे। अब आप कहोगे नोट्स के PDFs चाहिए, तो देखो फिर समस्या है कि नोट्स के PDFs नहीं मिलेंगे। उसका कारण बताती हूँ और उसका समाधान भी बताऊंगी। कारण ये है कि नोट्स जो है, जब आपको PDF दे दूंगी, तो होता ही है कि जहां आप प्रिंट करवाते हो ना, वहां वो नोट्स, वो चीजें सेव हो जाती है ना, मार्केट में कुछ भी अगर नया आता है तो, और फिर वो वहीं से सर्कुलेट होता रहता है। तो जिस इंसान ने, यानी मैंने, जिसने बैठ के अरेंज करके बहुत सारी मेहनत करके वो नोट्स बनवाई हैं, उसकी मेहनत तो चली गई, ठीक है? तो ये कारण है PDF ना देने का। फिर क्या करें? तो फिर आप अपना एड्रेस दीजिए, उसमें आपको जो है नोट्स कोरियर करवा दी जाएगी, ठीक है, आपसे बात करके, है ना? क्लियर। तो ये नोट्स का आपका डाउट क्लियर हो जाना चाहिए। फिर बारी आती है MCQs की, तो MCQs कब होगा? लास्ट में होगा। अरे भाई, लास्ट में होगा तो भूल जाओगे ना, नाउन आज पढ़ा है, MCQs लास्ट में करवाऊंगी तो भूल जाओगे। वो तो मिक्स प्रैक्टिस हो ही रही है, यूट्यूब पे भी हो रही है, और जरूरत पड़ेगी तो आगे कुछ प्लान कर लेंगे। तो फिर MCQs कब चलेंगे? कि फॉर एग्जाम्पल हमने कोई टॉपिक खत्म किया, जैसे पहला ही टॉपिक आपका नाउन खत्म होता है, प्रोनाउन खत्म होता है, आर्टिकल कुछ भी, तो जिस दिन टॉपिक खत्म हो गया उसके दूसरे दिन, पूरे दिन, मतलब पूरे दिन का मतलब है कि उस दूसरे में जो भी टाइम, दूसरे दिन में जो भी टाइम रहेगा, उस दिन आपके चलेंगे MCQs में प्रैक्टिस, कि हमने जो जो इस टॉपिक में पढ़ा क्या हमें कोई डाउट तो नहीं है, और अगर होता है तो आप उसी वक्त पूछोगे और मैं आपको बताऊंगी। तो ये हो गया आपका MCQs। अब आखिरी आखिरी चीज में हम आते हैं क्या, कि मैडम इसकी फीस क्या है, ठीक है? तो फीस के बारे में पहली बात मैं आपको बता दूं, आपने ना इतने सस्ते में, इतनी सारी वैलिडिटी के साथ और इतने सारे फीचर्स के साथ कोर्स डेफिनेटली नहीं देखा होगा। क्योंकि जब आप कोई बुक लेने जाते हो, ठीक है, जैसे कि आप लोगों के बीच में एक किरण की बुक है जो बहुत फेमस है, ठीक है, और भी बहुत सारी बुक्स हैं जो बहुत फेमस हैं, वो कितने की मिलती हैं? अराउंड आपको 400 या उससे ज़्यादा की ही बुक मिलती है, जो कि सिर्फ किताब होती है, किताबें बोलती नहीं है, उनको आप पढ़ते हैं, आप समझते हैं, कोई डाउट होता है तो बताने वाला कोई नहीं होता, ठीक है? वो बुक मिलती है आपको 400 की। अब आपको जान के हैरानी होगी कि ये जो कोर्स है,
सिर्फ शुरू के 50 बच्चों के लिए, ठीक है, टॉप 50 के लिए। मैंने टॉप 50 स्टूडेंट्स के लिए इंस्टीट्यूट में बात की थी, तो ये उनके लिए रखा गया है, ठीक है। जैसे ही 50 इनरोल हो जाएंगे अपने आप प्राइस बढ़ जाएगी, ठीक है, ऐसा सेटअप किया गया है ऐप में। तो टॉप 50 के लिए जो हमारी प्राइस है वो आपको सुन के अच्छा लगेगा कि सिर्फ कितनी है, 559 रुपीज ओनली, ठीक है, 559, ठीक है। तो 559 रुपीज में आपको इतनी सारी चीजें मिल रही हैं, एक साल तक आप जो चाहें जैसे चाहें पढ़ सकते हैं, आपके पास सारा डाटा सेव रहेगा, क्लियर। तो इस कोर्स के बारे में ये जानकारी थी, आई होप मैक्सिमम डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। एक और डाउट रहता है कि आपसे बात यानी मुझसे बात हो पाएगी क्या, तो बिल्कुल, अगर आपकी कोई जेन्युइन क्वेरी रहती है पहले तो कॉल आपका ऑफिस में ही आएगा, और अगर आपकी कोई जेन्युइन क्वेरी रहती है तो आपकी डेफिनेटली मुझसे बात करवा दी जाएगी। अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का फोन आता है क्लास लेने के जस्ट बाद, और मैं बात करती भी हूँ, ठीक है। तो आई थिंक इतने डाउट्स आपके रहे होंगे और मैंने इनको क्लियर कर दिया है, और अगर कोई और डाउट होता है तो आप नंबर पे कॉल कर लीजिएगा जो भी गुरुकुलम का आपको मिला हुआ है, और सजेशन यही रहेगी कि फटाफट से इनरोल करिए क्योंकि प्राइस फिर बढ़ जाएगी अगर आपको पढ़ना है जीरो टू एडवांस। और एक और खास बात कि इस कोर्स से आप कोई भी एग्जाम टारगेट कर सकते हैं, ठीक है, वेदर इट इज SSC और बैंकिंग और PEB एग्जाम्स, ठीक है, कोई भी एग्जाम्स हो आप टारगेट कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये कंप्लीट बैच रहेगा, ठीक है। तो आई थिंक इतनी जानकारी आपको चाहिए होगी जो मैंने दे दी, ठीक है। चलिए, तो मिलती हूँ आपसे क्लास में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।